हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है गोडाउन। गोडाउन क्या होता है? गोडाउन जैसे कोई भी कंपनी होगी जो ज्यादा मात्रा में सेल्स परचेज का वर्क करती है, तो उसे अपने माल को स्टोर करने के लिए गोदाम की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमें टैली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल लोकेशन का एक ऑप्शन है या मल्टीपल गोडाउन का ऑप्शन है, जिसे हम फीचर्स में जाकर के एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर उस हम गोडाउन को यूज कर पाते हैं, गोडाउन हम क्रिएट करते हैं, गोडाउन में हम अपने अलग अलग लोकेशन में माल की एंट्री करते हैं, सारा कंप्लीट स्टेटस भी हम जान सकते हैं। बट इस क्लास को समझ करने से पहले, इस क्लास को देखने से पहले, आपको मेरी पिछली वीडियो जो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्रीज का बेसिक है, जिसमें हमने इसके मास्टर्स क्रिएट किए हुए हैं, आपका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, तथा उसको बाउचर में हम कैसे एंट्री करते हैं, वो भी मैंने सारा कुछ बताया है डीपली। तो आप पिछली क्लासेस अकाउंट विथ इन्वेंट्री की क्लासेस जरूर देख लेंगे, जिससे आपको गोडाउन क्लियरली समझ में आ जाएगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन पीछे रहती है तो गोडाउन की वीडियो देखने के बाद आपको सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तथा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड कर पाएं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, यदि आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं वो आपसे छूट जाएंगी, तो इसलिए क्लास को लास्ट तक देखें। तो चलिए चलते हैं, टैली में हम गोडाउन्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो चलिए टैली पर करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम गोडाउन को एक्टिवेट करते हैं। गोडाउन को एक्टिवेट करने के लिए हम, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं इन्वेंटरी इन्फो में, हालांकि मैंने पहले से इसमें कुछ लेजर्स, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम ये सब क्रिएट कर रखा है, यहाँ पर लोकेशन शो कर रहा है गोडाउन एक्टिवेटेड है पहले से। बट यदि आपको न्यू कंपनी में गोडाउन एक्टिवेट करना है तो आपको एफ11 करना होगा या फीचर्स पे जाना होगा। आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली कंपनी फीचर्स के अंतर्गत दूसरा ऑप्शन है इन्वेंटरी फीचर्स। इन्वेंटरी फीचर्स पर आप क्लिक करेंगे या फिर आई प्रेस कर दें, इन्वेंटरी फीचर्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। एंटर करते आप आएंगे, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन है, उसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं मेंटेन मल्टीपल लोकेशंस। लोकेशंस मीन्स हो गया गोडाउन, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे हम माल को स्टोर करते हैं। तो यहाँ लोकेशन को यस करके कंट्रोल ए के साथ हम सेटिंग को सेव कर लेते हैं, हम बैक करके आ जाते हैं। ले चलते हैं, सबसे फर्स्ट हम गोडाउन को क्रिएट कर लेते हैं। इन्वेंटरी इन्फो में जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक ग्रुप भी मेरे पास है, स्टॉक आइटम्स भी मेरे पास है। तो चलते हैं हम गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं, लोकेशन जिसे हम कह सकते हैं। यदि आप टैली का पुराना वर्जन देखेंगे तो उसमें आपको गोडाउन नेम से मिलेगा, न्यू वर्जन में आपको लोकेशंस करके आएगा। यहाँ पर हम एंटर करते हैं, आप देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली इन्वेंटरी इन्फो में लोकेशन पर हम आ गए हैं। चाहे गोडाउन कहें चाहे लोकेशन कहें, एक ही चीज़ है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक सिंगल लोकेशन एंड मल्टीपल लोकेशन। जैसे आपको लेजर हमने बताया या आइटम्स बताया क्रिएट करना, कि सिंगल में हम किस तरह से करते हैं और मल्टीपल में किस तरह से करते हैं। कहने का मतलब, अगर इंडिविजुअल एक एक हम गोडाउन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम सिंगल लोकेशन में बनाएंगे, और अगर हम इकट्ठे करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा हम करना चाहते हैं एक साथ, तो हम मल्टीपल लोकेशन पर जाएंगे। तो हम एक एक गोडाउन क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट पर चले जाते हैं। एक चीज़ ध्यान दें आप, जैसे लोकेशन क्रिएशन विंडो पर हम आ गए हैं, इसमें सबसे फर्स्ट है नेम, एलियास है, एड्रेस है। कभी कभी आप ओपन करते हैं तो आपको एड्रेस नहीं शो करता है, तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं बटन बार पर नीचे आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करें या फिर हम F12 क्लिक कर दें तो आप देख पाएंगे गोडाउन कॉन्फ़िगरेशन ओपन होकर के आ जाता है। इसमें आप प्रोवाइड एलियासेस अलॉन्ग विद नेम, ये बाय डिफॉल्ट यस है। इसके बाद जस्ट नीचे आपका प्रोवाइड लैंग्वेज एलियासेस फॉर नेम। एलियासेस के बारे में मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, पिछली क्लासेस में मैंने एलियासेस को डीपली बताया हुआ है कि एलियासेस का यूज़ क्या है। आप जानते हैं कि अगर हम गोडाउन का नेम दे रहे हैं तो उसके उपनेम, उसी गोडाउन को उपनेम से देखने के लिए उसका हम कोई कोड दे सकते हैं या उसका दूसरा नेम दे सकते हैं। यह दूसरा ऑप्शन है, यदि हम एलियासेस को अलग लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो हम इसे यस करें। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोवाइड एड्रेस फॉर लोकेशन, लोकेशन का एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए यह ऑप्शन यस करना होता है। तो हम गोडाउन बना रहे हैं, हमारा लोकेशन ही है तो उसका एड्रेस बहुत ही जरूरी है, तो इस ऑप्शन को अगर यस नहीं है तो यहाँ से यस कर लेते हैं।
एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब हम चलते हैं गोडाउन को क्रिएट करके देखते हैं। मान लीजिए हम बना रहे हैं चौक, चौक अयोध्या में चौक है, चौक गोडाउन, चौक गोडाउन कर लिया, एंटर करते आते हैं, एड्रेस में आ जाएंगे हम, सुभाष नगर, सुभाष नगर अयोध्या, पहले इसका नाम फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया है तो हम यहाँ अयोध्या ही लिख ले रहे हैं। अंडर में देखिए यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, एक लिस्ट ऑफ लोकेशन में प्राइमरी है और मेन लोकेशन। मेन लोकेशन जैसे हम एक के अंतर्गत एक कोई, जैसे हमारा अयोध्या सिटी है तो हम अयोध्या लोकेशन करके उसके अंतर्गत जितने भी हैं उसको हम बना सकते हैं, तो हम अयोध्या लोकेशन को हम मेन लोकेशन में डाल सकते हैं। या हम जहाँ से माल सेल कर रहे हैं, जो मेरा ऑफिस गोडाउन है जहाँ हम माल जहाँ से परचेज सेल करते हैं, वो आप मेन लोकेशन में डाल सकते हैं, तो मैं उसको डाल के दिखाऊंगा आपको। अभी मैं पिछले प्राइमरी में डाल दे रहा हूँ। ये होता है अगर थर्ड पार्टी का गोडाउन आप यूज़ कर रहे हो या थर्ड पार्टी का माल अपने गोडाउन में रख रहे हो तो उसके लिए ऑप्शन को यस करना होता है, अन्यथा हम इसको नो कर देते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट बना लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं रुकाबगंज, एंटर करते हैं, हमने डाल दिया, एंटर करते हैं रकाबगंज। अयोध्या ये भी प्राइमरी में ही डाल दे रहे हैं, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एक बना ले रहे हैं, जैसे तो हम यहाँ कर लेते हैं श्रृंगार हाट, श्रृंगार हाट लोकेशन, श्रृंगार हाट लोकेशन एड्रेस हो जाएगा नियर पोस्ट ऑफिस, नियर पोस्ट ऑफिस अयोध्या, एंटर कर लिया। इसे हम मेन लोकेशन में डाल दे रहे हैं। मान लीजिए हमारा ये ऑफिस गोडाउन है, यहाँ से हम माल सेल करते हैं तो हम इसे मेन लोकेशन में डाल दिए, एंटर करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने देखा कि हमने गोडाउन कैसे क्रिएट किया। अब हम चलते हैं बैक कर लेते हैं। अब हम आपको गोडाउन कैसे हम माल परचेज करते हैं, तो हम अलग अलग गोडाउन में माल को कैसे स्टोर करते हैं वो हम आपको बताएंगे इसमें। उसके लिए हमें एक कोई एंट्री, हमें एक एज एग्जाम्पल में एंट्री लेना होगा, जिसके अंतर्गत हमें उसके लेजर्स क्रिएट करने होंगे, आइटम, स्टॉक ग्रुप, ये सारा कुछ क्रिएट करना होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल में एक एंट्री ले रखी है। माना कि BL इन्फोटेक्स से निम्नलिखित माल खरीदा, नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी रेट में, मॉनिटर है 20 पीस, प्रिंटर है 20 पीस, रेट भी लिखा हुआ है, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाता है टैली में। यहाँ हमने गोडाउन नहीं डिफाइन किया है कि हम किस गोडाउन में कौन सा कितना कितना माल ले रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से उसको आपको करके दिखाएंगे। SDD 1TB है, 30 पीस है, आपका कीबोर्ड है 100 पीस है, नॉस मीन्स होता है नंबर्स, चाहे पीस कह लें चाहे नंबर्स कह लें, माउस भी है 150 पीस, तो ये 80 के रेट से। हम चलते हैं इसका हम एंट्री करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा BL इन्फोटेक का, और सेल्स का परचेज का लेजर क्रिएट करना होगा। तो इसमें हमने लेजर क्रिएट करके रखा हुआ है, आपको मैं दिखा दूं, BL इन्फोटेक, ये आपका सेंड्री क्रेडिटर में बनेगा। नेम ऑफ आइटम, चूंकि लेजर्स आपको बनाना आ रहा होगा, चूंकि मैंने पिछली क्लासेस में लेजर का ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आपको लेजर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। एंटर करते हुए हम आ जाते हैं, हमने BL इन्फोटेक बना रखा है। इन्वेंट्री इन्फो में हमने सारे हमने ग्रुप बना लिया है कंप्यूटर पार्ट्स का, और आइटम्स में हमने लगभग आइटम्स इसमें क्रिएट कर रखा है जो आप देख पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम, अब हम वाउचर कर लेते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाते हैं। चूंकि हम माल परचेज कर रहे हैं, तो हम कंट्रोल प्लस F9 करेंगे, हम परचेज वाउचर में आ जाएंगे। पिछली क्लासेस में हमने वाउचर मोड बताया, अभी हम एज अ इनवाइस मोड में, आइटम इनवाइस पर हम हैं। चूंकि हमने पिछली क्लास में आपको कंप्लीट मोड कैसे, मोड का क्या यूज़ है, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, वाउचर
इन टैली वाली क्लास में हमने कंप्लीट बताया हुआ है, उसे भी आप देख लेंगे। तो अभी हम एज अ इनवाइस मोड में, आइटम इनवाइस में हैं। हम यहाँ कोई सेल्स इनवाइस दे दे हैं, BL-01। डेट हो गया मेरा। पार्टी नेम में हमने VL इन्फोटेक ले लिया है, जिससे हम माल खरीद रहे हैं। ये पार्टी मेरी दिल्ली की है। हम परचेज पर क्लिक करते हैं। परचेज, चूंकि हम परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज पर क्लिक करेंगे यहाँ। चलिए नेम ऑफ आइटम में हम दे देते हैं मॉनिटर है, 20 पीसेस मॉनिटर हमने उसमें शो करा है। तो देखिए आप, आइटम एलोकेशन फॉर मॉनिटर्स, मॉनिटर के लिए आइटम एलोकेशन आ गया। हम कहाँ कहाँ लोकेट कराते हैं, तो मान लीजिए हम माल जो खरीद रहे हैं, हम चौक गोडाउन में 10 पीस ले रहे हैं और इसका रेट हमने दे दिया 3500। 3500 के रेट से हम माल खरीद रहे हैं और 10 पीस हमने रकाबगंज में ले लिया। अगर हम ऑफिस गोडाउन में भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अभी हम आपके स्टोरेज में ही कर रहे हैं। कुछ गोडाउन ऐसे होते हैं जो केवल स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं और कुछ गोडाउन ऐसे होते हैं जो आप केवल ऑफिस होते हैं, जहां से आप सेलिंग करते हैं, परचेज सेल का काम करते हैं। चलते हैं अगला हम कर लेते हैं। हमने प्रिंटर कर लिया, प्रिंटर में हम जाएंगे, ये भी लोकेशन हमने दे दिया, चौक लोकेशन में है मेरा, 5 पीस 4500 के रेट से हम खरीद रहे हैं मान लीजिए, और रकाबगंज लोकेशन में भी हमारा 5 पीस। एक चीज़ हम चेक कर लेंगे, रेट चूंकि हम एंट्री दे चुके हैं तो रेट आप देख लेंगे, हाँ सही है। इसी तरीके से SDD है, कीबोर्ड है और माउस है, सबका अलग अलग रेट लिस्ट है, उसी हिसाब से हम एंट्री करते हैं। हम चलते हैं SDD कर लेते हैं, 1 TB की SDD है, हार्ड डिस्क जिसे हम कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। लोकेशन चौक लोकेशन पर हमने ले लिया, 30 पीस में हमने ले लिया 15 पीस चौक लोकेशन के लिए, हम 3000 कर लेंगे। और रकाबगंज लोकेशन में भी हमने 15 पीस ही करा, 3000 के हिसाब से। कीबोर्ड हम ले लेते हैं, कीबोर्ड हमने 100 पीस किया है, जिसमें हम चौक लोकेशन पर ले लेते हैं 50 पीस, 180 के रेट से है एंट्री में, ऐसा मैंने दिया एग्जांपल। और रकाबगंज में हम जाते हैं, यहाँ भी हम 50 पीस कर लेते हैं क्योंकि कुल हमारा 100 पीस है। हम चलते हैं माउस ले लेते हैं, माउस हमारा 150 पीस है, चौक वाले गोडाउन में हम मान लीजिए 80 पीस रख लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आधा आधा ही हम रखेंगे, हम तो आपको एक बता रहे हैं, अपने हिसाब से आप उसको मैनेज करेंगे। 80 रुपीज़ के रेट से है। हम रकाबगंज गोडाउन में 70 पीसेस ले रहे हैं, ये हो गया। आपने जितना भी अमाउंट आइटम्स उसमें शो करा था एंट्री में, सारे अमाउंट्स को हमने, सारे आइटम्स को सिस्टमेटिक ढंग से इसमें एंट्री कर दी है। अब इसे हम एंटर करके सेव कर लेते हैं, न्यू रेफरेंस में जाएगा। 30 डेज के क्रेडिट पर हम ले रहे हैं मान लीजिए, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने देखा कि हमने परचेज वाउचर में लोकेशंस को ऐड करते हुए एंट्री हमने कैसे किया, अलग अलग गोडाउन लोकेशन हमने एंट्री में कैसे दिया, वही प्रोडक्ट लेकिन हम स्टोरेज उसका अलग अलग गोडाउन में दे रहे हैं। तो चलिए हम उसका स्टेटस देख लेते हैं, डिस्प्ले करने के लिए या समरी देखने के लिए या रिपोर्ट देखने के लिए हम डिस्प्ले में आ जाते हैं, या हम डी प्रेस करें या फिर एंटर कर दें। नीचे हम आ जाते हैं एरो की से, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज होता है, चूंकि हम इन्वेंट्री कर रहे हैं और हम इन्वेंट्री का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री यहाँ हम ई भी प्रेस कर सकते हैं या फिर हम एंटर कर दें। लोकेशंस पर हम चले जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम ऑफ लोकेशन शो कर रहा है, यहाँ यदि कोई भी नेम इसमें से हम एंटर कर दें तो डायरेक्टली वो आपका गोडाउन ओपन हो जाएगा। चूँकि हमने प्राइमरीज में बनाया हुआ है तो जो हम ग्रुप वाइज अगर देखना चाहते हैं, सीधी सी बात, अगर हम ग्रुप वाइज लोकेशन लेना चाहते हैं तो हम प्राइमरी पर क्लिक करेंगे, और अगर हम लोकेशन वाइज लेना चाहते हैं तो हम लोकेशन पर क्लिक करेंगे, तो हम प्राइमरी कर देते हैं। तो इसमें प्राइमरी करने से फ़ायदा यह है, आपके सारे गोडाउंस इसमें शो कर गए। अभी आपने देखा कि हमने माल परचेज किया है, उसमें हमने चौक गोडाउन और रकाबगंज गोडाउन में ही सारा स्टोरेज दिया है, बट यहाँ मेन लोकेशन में भी शो कर रहा है, जबकि हमने मेन लोकेशन में कुछ नहीं दिया।
यहां क्यों शो कर रहा है, क्योंकि कंपनी में पहले जो काम किया गया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको बताया कि यदि हमने कोई भी गोडाउन नहीं बनाया हुआ है तो, या जहां से हम माल परचेज सेल कर रहे हैं वो मेरा मेन गोडाउन जो होता है मेन लोकेशन में आ जाता है, इसलिए हम मेन लोकेशन में पहले की एंट्री इसमें शो कर रही है। बट अभी जो मैंने मेन लोकेशन के अंतर्गत आपका श्रृंगार हाट लोकेशन बनाया उसमें हमने कोई भी स्टॉक नहीं रखा हुआ है। तो हम चलते हैं रिपोर्ट देख लेते हैं यहाँ से। अगर हम इसके डीपली डिटेल चाहते हैं तो हम यहाँ एंटर करके जा सकते हैं, या हम डायरेक्ट अगर यहीं देखना चाहते हैं कि चौक गोडाउन में क्या है, रकाबगंज गोडाउन में क्या है, तो हम अल्ट के साथ F1 करें तो इसका फर्दर डिटेल आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। बट हमें और अंदर जाना है, चूंकि यहाँ ग्रुप वाइज दिखा रहा है, लोकेशन समरी में ग्रुप वाइज समरी दिखा रहा है, हम बैक यहाँ पर हम चौक गोडाउन पर एंटर करते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स पर हम एंटर कर देते हैं। आप देख रहे हैं चौक गोडाउन में क्या क्या कितना सामान रखा हुआ है। SSD 1TB 15 पीस है, कीबोर्ड 50 पीस है, मॉनिटर है, माउस है एंड प्रिंटर है। इसी तरीके से हम यहाँ रकाबगंज लोकेशन पर एंटर करके चेक कर सकते हैं, यहाँ भी आपको जो इसमें स्टोर किया गया हुआ आइटम है वो दिख रहा है। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा डिटेल जानना चाहते हैं SSD का डिटेल एंटर करके हम चेक कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मंथली डिटेल है, ये केवल इन्वर्ड हुआ है, अभी आपने खरीदा है, इसमें आपने कोई सेलिंग नहीं किया हुआ है, इसलिए आपका आउटवर्ड्स में नहीं दिखा रहा है। इनका क्लोजिंग बैलेंस जितना आपने खरीदा था उतना भी आपके गोडाउन में स्टोर्ड है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस आपका जो आपके पास रहता है वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो 15,900 आपके पास पहले से अभी अवेलेबल है। और हम डिटेल में जाना चाहते हैं तो एंटर करके हम आ जाएंगे, तो यहाँ BL इन्फोटेक के द्वारा जो हमने परचेज किया है वो डिटेल आपका 15 पीस इन्वर्ट, चूंकि हम SSD का पर्टिकुलर देख रहे हैं, एक एक आइटम का इंडिविजुअल डिटेल अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। बट यहाँ जब हम BL इन्फोटेक पर और डिटेल लेना चाहते हैं एंटर करेंगे तो आपका वही बाउचर खुल जाएगा जो परचेज बाउचर आपने किया, तो यहाँ आप सारे आइटम्स देख सकते हैं कि कौन सा हमने कितना परचेज किया हुआ है। तो इस तरह से हम डिटेल को चेक कर सकते हैं, हम बैक करके आ जाते हैं। तो आपने देखा कि लोकेशंस का डिटेल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने मेन लोकेशन जो बनाया हुआ है उसमें हमने कोई भी आइटम नहीं दिया हुआ है, तो हम अगली क्लास जो मेरी होगी उसमें हम आपको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम आइटम्स को, स्टॉक को कैसे ट्रांसफर करते हैं वो कंप्लीटली आपको बताएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।